हिस्टरोस्कोपी क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज आपको बताऊंगी हिस्टरोस्कोपी के बारे में। हिस्टरोस्कोपी क्या है? हिस्टरो अर्थात बच्चेदानी, स्कोपी अर्थात कैमरा, मतलब बच्चेदानी को कैमरा डाल करके स्टडी करना। हिस्टरोस्कोपी आज के समय में गायनी में हम औरतों की समस्या जानने के लिए, उसका सटीक आइडिया जानने के लिए सबसे बढ़िया और बिल्कुल डेंजर फ्री प्रोसीजर हो गया है। हिस्टरोस्कोपी में हम करते क्या हैं? हिस्टरोस्कोपी में हम नीचे से बच्चेदानी के, नीचे से कैमरा डाल करके बच्चेदानी को देखते हैं। बच्चेदानी में ट्यूब्स की ओपनिंग है उसको देखते हैं। बच्चेदानी के अंदर कोई समस्या है जैसे कि पर्दा है, झिल्ली है, कोई गांठ है, कोई मस्सा है, उसको देखते हैं। और सिर्फ देखते नहीं हैं, हम उसको वहीं के वहीं ठीक भी कर सकते हैं। हिस्टरोस्कोपी किन लोगों में की जाती है? हिस्टरोस्कोपी उन महिलाओं में करते हैं जिनमें हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है, जिनके अल्ट्रासाउंड में ये आ रहा है कि अंदर कोई पर्दा, झिल्ली या गांठ है, जिनके बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, जिनको महीने की ऐसी शिकायत है कि उनका महीना बार बार आ रहा है और उनका महीना बंद होने के समय में बार बार आ रहा है, उनको मेनोपॉज के बाद महीना आ रहा है, या फिर छोटे लोग, छोटी बच्चियां, यंग लड़कियां, यंग फीमेल्स जिनको महीने की बहुत सीवियर शिकायत है, उनमें हिस्टरोस्कोपी की जाती है। निसंतानता से जूझती महिलाओं को कहीं अंदर बच्चेदानी में कोई समस्या तो नहीं है, उसमें हिस्टरोस्कोपी की जाती है। हिस्टरोस्कोपी के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है ये, इसमें कैमरा नीचे से डलता है और नीचे से बाहर आता है, मतलब बॉडी में कोई कट या चीरा नहीं लगता है, और बच्चेदानी को अंदर से जायजा लग जाता है जिसमें 100% हमें बच्चेदानी की समस्या का आइडिया लग जाता है और साथ ही साथ वहीं पर ठीक हो जाता है। अब हिस्टरोस्कोपी का डेंजर क्या है? ये जो हम लोग कैमरा डालते हैं इसमें हमें नॉर्मल सलाइन अथवा पानी का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम बच्चेदानी को स्टडी कर सकें। कभी कभी जब प्रोसीजर थोड़ा लंबा खिंचता है या कभी कभी बच्चेदानी का जो पानी है वो रिस्क करके अंदर पेट में या ब्लड वेसल्स में आगे चला जाता है और वो रिस्की हो जाता है, इसलिए हिस्टरोस्कोपी के वक्त हमें काफ़ी ध्यान से प्रेशर को कंट्रोल करना होता है और हमें ये देखना होता है कि हमें हिस्टरोस्कोपी कब बंद करनी है। इसके अलावा कभी कभी हिस्टरोस्कोपी के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग की समस्या रहती है जो कि समय के साथ ठीक हो जाती है। हिस्टरोस्कोपी ज़्यादातर कोई डेंजर का प्रोसीजर नहीं है, एक ये डे केयर प्रोसीजर है, आप सुबह आते हो और शाम तक अपने घर वापस चले जाते हो, और काफ़ी हद तक बच्चेदानी के अंदर की समस्या इससे ठीक हो जाती है। कई बार किन्हीं महिलाओं में जहाँ पर महीना आ ही नहीं रहा और बहुत सारे जाले हैं, तो उन महिलाओं को आइडिया भी लग जाता है कि अब उनकी बच्चेदानी आगे प्रेगनेंसी के लायक है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से हिस्टरोस्कोपी को अगर मैं फायदे में स्कोर करूँ तो 9 out of 10 है, और डेंजर में स्कोर करूँ तो less than 1 out of 10 है। इसलिए हिस्टरोस्कोपी एक यूजफुल प्रोसीजर है, स्पेशली महिलाओं के लिए जब उनको महावारी में दिक्कत है और बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। नमस्कार दोस्तों।